सो है गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। वापस आ चुके हैं फिर से फिर वीडियो के साथ वापस। तो गाइस हाँ, हम फिर से आज नए वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और आज हमारे पास है बहुत सारे पेंस। तो और इसमें हम बात करने वाले हैं क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एग्जाम्स में आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बॉल पेन कम प्राइस रेंज में 10 रुपीज में कौन सा अच्छा होगा। इसीलिए गाइस हमने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए कि आप लोग देख पाओ कि कौन सा पेन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मार्केट में बेसिकली जितने भी अच्छे अच्छे पेन थे हमने परचेस किया, और भी बाकी पेन्स हैं बट हाँ ये हम मेरे पास फिलहाल इतने थे तो मैंने आज इसी के ऊपर बात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक ग्लाइसर 10X के बारे में। तो 10X जो है वो 15 रुपए की एमआरपी वाली पेन है और इस वीडियो में बस यही एक पेन है जो कि 15 वाला है, बाकी सारा पेन यहाँ पे 10 रुपए वाला है। सबसे पहले हम पेन्स की नेम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 10X देखने को मिलेगा, यहाँ पे बटरफ्लो सिंपली न्यू वाला, और यहाँ पे मिलता है आपको ऑक्टेन देखने को बॉल पेन, यहाँ पे आपको पेंटोनिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हमारा मैराथन देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्ट्राइकर देखने को मिलेगा, रिलॉन्च 045 देखने को मिलेगा, बहुत पुराना पेन है, बहुत टाइम से चल रहा है। देन यहाँ पे बटरफ्लो मिलेगी आपको, एक्सो मिलेगा हॉसर की तरफ से, और देन यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉस्ट जो कि पेंटोनिक के साइड से। तो बहुत सारी पेन्स है आज हमारे पास। चलिए बारी बारी करके हम सब पे बात कर लेते हैं। तो बारी बारी करके हम सबकी डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो 10X की डिजाइन आपको बहुत ही यूनिक मिलेगी, मतलब बहुत ही तगड़ी मिलती है। मुझे 10X की डिजाइन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। पहले तो इसने प्राइस किया था 12 रुपए, फिर कर दिया 15 रुपए, पहले तो 10 रुपीज में ही आते थे ये पेन। लेकिन हाँ, जब हमारे ग्लाइसर का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो आपको सी बात है 10X का होना बनता था। तो चलिए सबसे पहले इसको बंद करते हैं। ये था 10X। 10X बहुत ही प्यारे डिजाइन के साथ आता है और ये ग्लाइसर से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है 10X को। देन हम बात करेंगे बटरफ्लो सिंपली की। तो न्यू वाला है ये बटरफ्लो सिंपली, डिजाइन आपको बहुत ही तगड़ा मिलता है, बॉल पॉइंट भी बहुत ही मस्त है, और प्लास्टिक फाइबर आप बोल सकते हो बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की यूज की गई है, मतलब 10X की टाइप की है। और ये हमारा प्यारा ऑक्टेन जो कि बहुत ही तगड़ी डिजाइन के साथ आता है, ब्लू पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन, मतलब एक तरह से बोल सकते हो प्रीमियम पेन वाली फील देता है, तो ये भी बहुत तगड़ी पेन है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं पेंटोनिक की, जो कि बहुत पहले नाम खराब कर चुका है मार्केट में, बट फिर भी हम इसको लेके आए क्योंकि आजकल थोड़ा सही चल रहा है। देन ये हमारे पास मैराथन जो कि फ्लेयर के साइड से निकल के आता है और ये भी बहुत ही तगड़ी पेन है। देन हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइकर जो कि हमने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट की हुई थी, मैं आई बटन में दे दूंगा, बहुत ही तगड़ी पेन होती है, बहुत ही मस्त चलती है। स्मूथनेस के मामले में ये पेन बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पीट करता है बहुत सारे पेन्स को, जो कि मुझे बहुत पसंद आया इस चीज के बारे में। देन हम बात करेंगे रिलॉन्स 045। बहुत सारे लोगों के पापा ने भी यूज किया होगा ये पेन और अभी भी बिक रहा है और बहुत ही तगड़ी चलती है अभी भी, तो मुझे बहुत ही पसंद है 045 का। मार्केट में यहाँ पे बटरफ्लो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे मिलेगी आपको एक्सो, जिसकी डिजाइन की बात करें तो बहुत इसकी भी तगड़ी डिजाइन मिलती है। मतलब बेसिकली अगर बात कर लेना तो 3 टाइप के पेन है यहाँ पे, फ्रॉस्ट, हॉसर, एक्सो, और यहाँ पे पेंटोनिक का फ्रॉस्ट, और यहाँ पे पेंटोनिक। तो तीनों की डिजाइन मैक्सिमम सेम ही बोल सकते हो आप, क्योंकि कुछ भी चीज में बस थोड़ी सी, हाँ हॉसर की डिजाइन थोड़ी सी मुझे ज्यादा बेटर लगी इस सब के मामले में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के साइड से आपको थोड़ा सा अजीब अजीब डिजाइन देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा प्रीमियम सा डिजाइन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन सब की हमें राइटिंग टेस्ट करनी है कि राइटिंग आखिर कैसा है, किसका स्मूथ है, किसका क्या है। तो चलिए सबसे पहले राइटिंग टेस्ट पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बारी बारी करके हम यूज करते हैं सारे पेन्स को। तो सबसे पहले हम हॉसर को लेंगे, हॉसर हमारा सबसे ज्यादा प्यारा। तो चलिए सबसे पहले हम हॉसर को टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को एग्जाम पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम उसी हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हॉसर, यहाँ पे लिखते हैं एक्सो। मानिए अगर आपको OMR वगैरह फिल करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कर देते हैं। तो बहुत ही तगड़ी है हॉसर की एक्सो, तो पेन बहुत ही शानदार है। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइनली हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले हम बारी बारी करके लिख लेते हैं, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ मैं। तो गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने सारे ही पेन्स को यूज़ कर लिया है और मैं रियली बता रहा हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेन्स को देखा है जो कि बहुत ही तगड़ी चल रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम 3 पेन्स की बात करेंगे, मतलब 3 बोल सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरा विजेता जो होगा वो भी बहुत शानदार है और जो फर्स्ट है वो भी बहुत शानदार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कोई किसी से पीछे है, बहुत तीनों ही बहुत ज़्यादा शानदार पेन्स है। और यहाँ पे सारे पेन्स की आप राइटिंग देख सकते हो, राइटिंग सारे पेन्स की बहुत ज़्यादा तगड़ी है। बट यहाँ पे मैंने जब OMR फिल किया तब मुझे पता चला कि कुछ पेन्स OMR में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं थोड़ा पास लाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो को जूम करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो राइटिंग। तो यहाँ पे हॉसर की राइटिंग देख सकते हो आप, हॉसर की भी सही थी, पेंटोनिक फ्रॉस्ट की मुझे राइटिंग बहुत तगड़ी लगी और यहाँ पे OMR भी फिल उसने बहुत तगड़ा किया। तो यहाँ तक बटरफ्लो की भी राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत सही है, रिलॉन्स 045 की पहले की टाइप है, स्ट्राइकर की बहुत शानदार, मैराथन तो बहुत तगड़ा चला है। मतलब मैं बेसिकली अगर 3 इसमें से अगर बोलूँ बहुत ही अच्छे पेन्स के बारे में। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे सबसे पहले कि ग्लाइसर 10X की जो राइटिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा डार्क देखने को मिलती है, और लिटरली जब मैंने उसे यूज़ किया तो मुझे भी ये चीज़ बहुत फील आया कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, प्लस राइटिंग एक्सपीरियंस भी इसकी बहुत तगड़ी मिलती है। तो 10X एक ऐसा पेन है जो आप वर्थ इट बोल सकते हो 15 रुपीज़ के हिसाब से। चलिए सबसे पहले इसको हम स्मच टेस्ट कर लेते हैं। तो स्मच तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैराथन भी नहीं होगा, कोई भी नहीं हो रहा स्मच। तो सबसे पहले हाँ,
तो स्मज कोई भी नहीं हो रहा, तो स्मज टेस्ट सबने पास कर लिया है, तो चलिए स्मज इसमें से कोई भी नहीं हो रहा, तो ये चीज़। तो चलिए अब छोटा सा इसका वाटर टेस्ट कर लिया जाए कि वाटर में कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस सारे पेंस की राइटिंग का। तो चलिए चलते हैं वाटर टेस्ट पे। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा वाटर प्रूफिंग टेस्ट पे। तो सबको एक साथ ही देखते हैं ट्राई करके कौन सा निकल जाएगा जिसका कलर होगा वो। तो चलिए एक साथ ही सब पे यूज़ करते हैं। ये पेपर की GSM की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो मिलेगी आपको, इसके कारण से हो सकता है नीचे इसकी जो बोल सकते हो प्रिंट वो आ जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि लग्जर की ये जो पेपर, इसकी GSM बहुत पतली है, तो फिलहाल तो मैं डोम्स की ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो कलर तो मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि कोई भी उड़ रहा है, बट चलिए फिर से एक थोड़ा सा इसको भिगाया जाए ब्रश को। तो चलिए ब्रश तो हो चुकी है हमारी, भींग चुकी है। तो वाटर प्रूफ में मैं बोलूँगा सारे पेंस बहुत ज़्यादा ही खरा उतर रहा है अपने पैमाने पे, और लिटरली कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कलर हट रहा है। बस हाँ, रिलॉन्स का 045 का थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा। तो कलर के मामले में भी सारे पेंस बहुत तगड़े हैं। पेंटोनिक फ्रॉस्ट की मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मैं पेंटोनिक फ्रॉस्ट पे ज़्यादा प्रेशर भी यूज़ कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि उसका कलर जा रहा है ऐसा कुछ। पेपर बहुत ज़्यादा भींग चुका है, तो अब इससे ज़्यादा टेस्टिंग करना नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा ही पेंट कर दिया हम लोगों ने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा रिलॉन्स जो 045 है उसका कलर थोड़ा सा वो निकल रहा है, और हमारा बटरफ्लो दो पेन की और हॉसर की भी थोड़ी सी, तीन पेन्स यहाँ पे बोल सकते हो जिसकी कलर आउट हो रही है, बाकी न्यू बटरफ्लो की आउट नहीं हुई। और यहाँ पे हमारा जो 10X है इसका तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, जबकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ही जोर लगाया था कि अरे ये हो जाए, बट इसकी भी प्रिंट आउट नहीं हुई। बट ये भी वाटरप्रूफ टेस्ट को बहुत ही अच्छे से झेल जाता है। तो राइटिंग तो सारे पेंस की बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट हाँ यहाँ पे हम तीन पेंस चुनेंगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चुनने हैं इसी के लिए। तो इस वीडियो का जो तीन विनर है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो इसको सबसे पहले मैराथन को साइड करेंगे। मैराथन बहुत तगड़ी चली है, 15 रुपये के हिसाब से हमारा जो लिंक रेसर 10X है ये भी बहुत तगड़ा है। और यहाँ पे स्ट्राइकर को आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो तीन पेंस हमने साइड किया है, जो कि आप देख सकते हो स्ट्राइकर, मैराथन और यहाँ पे 10X, और ये तीनों पेन डिजर्व करते हैं कि आप इसे एग्जाम में यूज़ करो, क्योंकि सच्ची में कहीं से भी समझ नहीं हो रहा है। वाटरप्रूफ भी बहुत अच्छा खासा है, और कहीं से भी यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं है कि रुक रहा है, जबकि मैंने इसको लॉन्ग टर्म में भी यूज़ किया हुआ था। तो इसी हिसाब से अगर बात करें इस वीडियो की विनर की, तो ये तीनों ही विनर है। और खासकर मैं 10X के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग को अगर स्पीड राइटिंग चाहिए होगा, जो लोग फास्ट राइटर हो गए एग्जाम के लिए, बेसिकली एक फास्ट राइटर की ही जरूरत है जो कि फास्ट राइटिंग प्रोवाइड करा पाए, तो आप मैराथन या 10X दोनों में से एक परचेस कर लेना। 10 रुपीज़ है तो मैराथन, 15 रुपीज़ पे करोगे तो आप 10X ले सकते हो। 10X बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए, सो गो फॉर 10X। बहुत सारे लोगों ने गाइस कमेंट किया, जिनकी कमेंट की डिमांड अभी पूरी नहीं हो पाई है, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा सॉरी, बट हाँ हम जल्दी ही उन सारे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। और गाइस जैसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले गाइस आप लोगों को पता है चैनल को सब्सक्राइब करना।